हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम रियलिस्टिक फेस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। पूरा फेस तो नहीं, बट फेस का 1/4 पार्ट ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे मैं रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे जो मटेरियल्स मैं यूज़ करूँगा वो है चारकोल पेंसिल, ब्लेंडिंग ब्रश, कॉटन फॉर ब्लेंडिंग लार्जर एरियाज, ब्लेंडिंग स्टम्प, ट्रॉम्बो मोनोजीरो इरेजर, वाइट जेल पेन एंड मैकेनिकल पेंसिल, जो यहाँ पे मैं दिखाना भूल गया, जो माइन्यूट डिटेल्स के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आईज से पहले ड्राइंग को स्टार्ट करूँगा, और आईज का जो डार्क पोर्शन होता है उसको मैं चारकोल पेंसिल से डार्क कर लूँगा। डार्क करने के बाद मैं ब्रश का यूज़ करके ब्लेंडिंग कर लूँगा, और डार्क करने से जो एक्स्ट्रा चारकोल पाउडर निकलता है उसी का यूज़ करके आईज का व्हाइट पोर्शन को भी मैं कलर कर लूँगा। व्हाइट पोर्शन को आप व्हाइट नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर व्हाइट छोड़ोगे तो आईज फ्लैट दिखेगा, रियलिस्टिक नहीं दिखेगा। आईज होने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा स्किन, और स्किन को बहुत ही सिंपल स्टेप्स का यूज करके करूंगा। पहले मैं चारकोल पेंसिल का यूज करके फर्स्ट लेयर दे दूंगा, देन कॉटन से ब्लेंडिंग कर लूंगा। अगर रेफरेंस फोटो में और भी डार्कनेस है तो अगेन सेकेंड लेयर चलूंगा एंड अगेन ब्लेंडिंग। और उसके बाद हाईलाइट देने के लिए मैं नीडेबल इरेजर का यूज करूंगा, एंड देन माइन्यूट डिटेल्स एंड स्किन टेक्सचर को देने के लिए मैं 0.5 mm मैकेनिकल पेंसिल एंड ट्रॉम्बो मोनोजीरो इरेजर का यूज़ करूँगा। तो अब देखिए मैं कैसे पूरा कॉन्ट्रोइंग को कंप्लीट करता हूँ।